नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यह वीडियोस हम आपके लिए ही बनाते हैं और आपकी फायदे के लिए ही जानकारियाँ इसमें होती हैं। दूध या दही के साथ केवल एक चम्मच। थकान, कमजोरी, भूल जाओगे होने वाले शरीर में कैल्शियम की कमी, ऐसी फुर्ती आएगी बहुत ज्यादा। आज की जिंदगी में देखे तो हर दूसरा व्यक्ति पैसे कमाने की जिंदगी में भाग रहा है। जी हाँ दोस्तों, लोग ये भूल गए हैं स्वास्थ्य ही शरीर की असली कमाई है। आपके पास चाहे जितना मर्जी पैसा हो, आप कितने भी अमीर हो, आप यदि स्वस्थ नहीं हैं तो आपका सारा पैसा उसी के ऊपर चला जाएगा। और अगर आप भी काम के समय थकावट और शरीर में कमजोरी, शारीरिक दर्द की वजह से आप परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, जो कि शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देगा और अत्यधिक कमजोरी और थकावट का महसूस कराता है। और आप ये मानते हैं कि आप अभी जवान हैं और आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं हो सकती। उठते बैठते हड्डियों में दर्द, कमजोरी महसूस होना, थकावट की वजह से किसी काम को सही तरीके से ना करना, बालों का टूटना और त्वचा संबंधी बीमारी हमारे शरीर में होने वाली कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। और इन्हें नजरअंदाज करने से आने वाले समय में कई तरह की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज ये जो उपाय आपको मैं बताने वाली हूँ, ये आपके शरीर में तेजी से कैल्शियम को बढ़ा देगा, शरीर में जान लेकर आएगा और ऐसी चुस्ती फुर्ती आएगी कि आप कमजोरी और थकान जैसी चीजों को भूल जाएंगे। चलिए ये देखते हैं कैसे आपको इसे तैयार करना है। इसके लिए हम दोस्तों यहाँ पर जानेंगे दो उपायों के बारे में। आपको कोई भी एक उपाय का इस्तेमाल करना है जो आपको आसान लगे और उससे आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को तेजी से पूरा कर पाएंगे। पहले उपाय के लिए, ये सफेद दानेदार साबूदाना कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने और हड्डियों को मजबूत करने के लिए साबूदाना बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही साथ इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में ताकत लाने और कमजोरी और थकावट को दूर करता है। साबूदाने का लेप हमारी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। इस तरह से कटोरी साबूदाना लीजिए और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर लीजिए रागी को। रागी में पाए जाने वाला कैल्शियम किसी भी दूसरे स्रोत से 4 या 5 गुना अधिक होता है। साथ ही साथ बच्चों से लेकर बूढ़ों तक रागी का सेवन बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर में कमजोरी जो है वो दूर भाग जाती है और व्यक्ति में नई चुस्ती और फुर्ती देखने को मिलती है। इसलिए रागी का सेवन हर व्यक्ति को करना चाहिए। आप यहाँ पर एक कटोरी रागी लीजिए। कई जगह इसे मड़ुआ के नाम से भी जाना जाता है और राई के नाम से भी जाना जाता है। इसे लेने के बाद आपको इन्हें तैयार कैसे करना है, आइए देखते हैं। पहले उपाय को तैयार करने के लिए आपको यहाँ पर लेनी है, सबसे पहले रागी लेनी है। आप ये रागी लीजिए और इसी के साथ एक कटोरी में ठंडा दही लेना है। एक कटोरी ठंडा दही लीजिए और इसमें रागी को सबसे पहले मिलाइए। इसे डालने के लिए आप चाहे तो रागी को बारीक पीस कर इसे ग्राइंड कर सकते हैं, और ग्राइंड करने के बाद आप इसे 1.5 से 2 चम्मच के बराबर दही में डाल लीजिए और दही में इसे अच्छे से रागी को मिला लीजिए। आपको जो दही का सेवन करना है, रागी को सबसे पहले इसमें मिला लेना है। इसे डालने के बाद आप चाहे तो इसे मीठा करने के लिए इसमें मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप मिश्री को ग्राइंड कर पीस कर स्वाद अनुसार दही में डाल लें। लेकिन दोस्तों, आप ध्यान रखिए, आपको चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। आप मिश्री डाल सकते हैं और इसे डालने के बाद अच्छे से इसे मिला लीजिए और मिक्स करने के बाद आपको इसका सेवन करना है। आप शाम के समय इसे लीजिए। ऑफिस आने के बाद, दिन में, सुबह काम करने के बाद जब आप थकावट महसूस करेंगे तब आप इसे ले सकते हैं, जिससे शरीर में थकावट और कमजोरी दूर करने के साथ साथ कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा, जिससे हड्डियों में होने वाला दर्द भी खत्म हो जाएगा। और दूसरा जो उपाय है, उसे तैयार करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर लेना है ये 1 गिलास दूध। आप 1 गिलास दूध लीजिए और इसी के साथ आपको इस्तेमाल करना है साबूदाना। आप इस तरह से साबूदाना लीजिए और इस साबूदाने के आपको 4 से 5 चम्मच 1 गिलास गर्म दूध में डाल लेना है। अब ये 4 से 5 चम्मच इसे डालें और इस दूध को अच्छे से गर्म कीजिए और धीमी आंच पर आप इसे तब तक पकाएं जब तक यह दूध खीर की तरह ना पक जाए। तो दोस्तों, आप मिठास के लिए इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं। और तैयार होने के बाद दोस्तों, यह दूध आपको इस तरह से मिलेगा। इस दूध के केवल 1 गिलास सेवन से ही आपके शरीर में दोस्तों कैल्शियम की कमी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। शरीर में कैल्शियम बढ़ेगा, साथ ही साथ
उठते बैठते शरीर और हड्डियों में होने वाला दर्द, थकावट, कमजोरी भी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। और इसका सेवन आपको सुबह करना है। सुबह ऑफिस जाने से पहले आप इसे एक गिलास पी लीजिए या फिर चम्मच की मदद से आप इसे धीरे धीरे खा लीजिए। यह खीर की तरह बनेगा और आपको खाने में भी स्वाद लगेगा। इन दोनों उपायों में से आपको केवल एक उपाय करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।